All I feel is blue. मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं आई हूँ शॉपिंग करके पालक के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि करवा चौथ आने वाली है। थोड़ी सी मैंने अपने पालक के लिए शॉपिंग करी, तो मैं धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। ये भी दीजिए पॉलीपॉक है, तो कुछ सामान तो थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया था ऑनलाइन, थोड़ा मैं खरीद के लेके आई हूँ। तो देखती हूँ और इस बार सामान पे रेट सब पर बढ़ कर आए। देखिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने लिए हैं दो पेज, दो मतलब VLCC के, ये एक सॉरी ये मैंने लिया है एक चारकोल का और एक डायमंड, चारकोल और डायमंड। और ये मुझे जो हमारा चारकोल का है ये मुझे पड़ा है 370 का, और ये जो डायमंड का है ये मुझे पड़ा है 410 का। जबकि ये मैंने फेशियल जब मैंने पहले किया था तो ये फेशियल मुझे जहाँ तक मुझे याद है 300-350 के आसपास था। तो इस बार रेट हर चीज़ बढ़कर आई है। और कुछ फेशियल मेरे पास पहले से और हैं। और ये देखिए ये मैं लेकर आई हूँ VLCC का ही फ्रूट फेशियल। तो ये मुझे फ्रूट फेशियल पड़ा है 570 का। और इसके अंदर जैसे 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप के भी आप मैं 5 फेशियल होते हैं, आप अपने अनुसार खर्च कर सकते हैं जैसे आपको लगाना है। ठीक है, ये मैं 3 फेशियल लेकर आई हूँ VLCC के। मेरे पास और थे, मेरे पास नेचर्स का है और 3 का है, तो वो मेरे पास थे तो मैं उन्हें लेकर नहीं आई हूँ। ठीक है, और ये मैं लेके आई हूँ हेयर वॉश के लिए शीट। तो ये मुझे करीब 190 की पड़ी है। ये मेरे पास थी नहीं, मैं उसे काफ़ी टाइम से देख रही थी। जब मैं पहले भी गई थी मैं वहाँ पे शॉप पे तो मुझे मिली नहीं थी, तो इस बार मुझे ये मिल गई है। और इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि मैं जो कटिंग शीट है ना उससे बाल गीले हो जाते हैं। तो ये जब मैं यूज़ करूँगी तब आपको दिखाऊँगी पूरी तरह खोल के। तो ये मैं साइड में रख देती हूँ। और मैं लेकर आई हूँ फेम की गोल्ड ब्लीच, क्योंकि मेरे पास फ्रूट पड़ी हुई है, फ्रूट और हर्बल थी मेरे पास, तो फेम की गोल्ड लेकर आई हूँ। और ये मुझे पड़ी है 230 की। तो ये पार्लर पैक है, इसलिए मैं पार्लर के हिसाब से लेकर आई हूँ। और इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं लेकर आई हूँ वैक्स। वैक्स भी मेरे पास थी पहले से, तो मैं ये दो लेकर आई हूँ एलोवेरा वैक्स, क्योंकि ये सबसे बेस्ट होती है और लगभग सभी पे चल जाती है और सब इसे पसंद करते हैं। और ये वैक्स पड़ी है मुझे 140 की। ठीक है, तो ये मैं नीचे रख देती हूँ। उसके बाद देखिए, जब से जो मैन होता है हमारा थ्रेड का धागा लेके आई हूँ मैं थ्रेडिंग का। और ये जो ये धागा जहाँ तक 50 का आता था और ये धागा इस बार आया है 65 का। ये धागा मुझे लगा ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखिए इस पर 65 का प्रिंट पड़ा हुआ है और ये 50 का आता था। तो मैं जो पार्लरों में हमारे ये धागा यूज होता है ऑरेंज थ्रेड होता है। और उसके बाद मैं एक ये जैसे मैंने अभी हेयर स्पा ये आपका जो मैंने स्मूथिंग यूज़ किया था, तो ये ब्रश नहीं था मेरे पास, तो मैं वो जो हमारा कलर ब्रश होता है उससे मैंने किया था। तो ये मैं ब्रश लेकर आई हूँ, तो थोड़ा जो इसका व्यू होता है ना ये अच्छा लग रहा है ना ये।
ब्लैक ब्लैक और ये मुझे पढ़ा है, इस पर लिखा नहीं तो मुझे पहले कहा है मेरा, तो मतलब ये धागा, ये सॉरी ये ब्रश पड़ा है मुझे 150 के आसपास पड़ा है, 150 के आसपास पड़ा है मुझे। बिल दिखाइए जरा इसके अंदर, क्योंकि सबके बिल लिखे होते हैं। इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको, ये लेकर आई हूँ मैं फाइलर। फाइलर मेरे पास था बट पहले जो चलते थे ना ट्राइटक के वो थे, तो ये मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं पहले तो कर लीजिए तो मैं अपने खाऊंगी। ये देखिए है ना, अब इसके कपड़ा नहीं और वो हटाने पड़ेंगे है ना, अच्छा नहीं होगा तो स्पाइक कर देते। और ये फाइलर है ये मेरे ख्याल से ये मुझे 120 के आसपास पड़ा है, महंगा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने ले लिया इसको। और जो हम मतलब जो हम यूज करते हैं पार्लर में जो उसका होता है आयरन का कलर का, तो भी और देखिए ये मैं लाई हूँ पेंसिल कर, और ये हेक्टर की है। मैं सोच के तो आइकॉनिक की गई थी बट आइकॉनिक की जो जो प्रेसिंग मैं सॉरी प्रेसिंग कह रही हूँ, मैं कलर ड्रॉट थी जो आपने देखी होगी, मैं पार्लर में करती हूँ जो मेरे पास है, वो मैंने 2 साल करीब फ्लिपकार्ट से ली थी, जो मुझे 2400 की पड़ी थी, 2400 की पड़ी थी मुझे। और अब वो जो 2400 की पड़ी थी, अब वो कर्लिक रॉड कितनी की 4000 की, तो रेट काफ़ी काफ़ी बढ़ गया। इसलिए मैंने हेक्टर के लिए, क्योंकि मेरा बजट इतना थोड़ा नहीं था, जो और भी सामान लेके आना था। तो ये देखो और इसके साथ मुझे मिली है 1 ईयर की गारंटी, अगर ये खराब हो जाएगी तो वो मुझे ये ठीक करके देंगे। और ये मुझे पड़ी है 2400 की, और जो आइकॉनिक की थी वो 4000 की थी, तो वो मैं नहीं ले पाई, नहीं ले पाई मैं। तो ये मैं डिटेल में दिखाऊंगी आपको यूज़ करके, अभी मैं इतना ही दिखा रही हूँ। तो मेरे पास पेंसिल कलर वाला नहीं था, जो हमारी स्टाइलिंग होती है उसको बहुत मुश्किल होती है, मैं जो वो मैं नहीं कर पाती थी, वो तो ये मैं लेकर आई। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, इसके बाद मैं लेके आई हूँ वैक्स हीटर, क्योंकि मेरा वैक्स हीटर ना रात में एक मैं वैक्स करने के लिए बैठी, तो वो वैक्स हीटर मेरा चले गया, कि वैक्स हीटर में ज़्यादा मैं 2-3 रखती हूँ अपने पास। तो ये वो वैसे थे सिंपल वाले थे, ये मैं पार्लर के लिए लेके आई, प्रोफेशनल जो हीटर होते हैं मैं वो लेकर आई। तो इस पर कोई मुझे ध्यान, ये देखिए ये हीटर है, तो इसके अंदर डायरेक्ट डिब्बा रख सकते हो आप, और उन्होंने कहा कि 7 सेकंड के अंदर ये गर्म कर देगा है। और ये पड़ा है मुझे 1050 का, इसकी भी गारंटी है 6 मंथ की, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो वो मुझे ठीक करा के देंगे। और ये देखिए इसका जो ये जो कितना अंदर तक है, ये मतलब डिब्बा इसमें अच्छे से गर्म हो सकेगा है ना, जैसे मैं साइड में रख देती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो मैंने कुछ सामान मैंने उससे मंगाया था ऑनलाइन, तो ये मैंने कैरेटिन मंगाई है, तो ये मुझे सस्ती पड़ गई, फिर मंगा ली ये, मतलब मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है। और ये इसका रेट है इसका 1450, आप देखिए बारीक से दिखाती हूँ आपको, 1450 और ये मुझे पड़ी है सिर्फ 500, ये मैंने ली फ्लिपकार्ट से। और ये मैंने स्मोकिंग क्रीम मंगाई है अमेजोन से, ये मैंने एक्चुअली बात किया मैंने पहले मंगा ली थी, अगर मैं पहले ना मंगाती, पहले मैं जा नहीं रही थी, मैं तो बाद में जाऊंगी, फिर वो हीटर ख़राब हो गए तो मुझे जाना पड़ा। और ये क्रीम पड़ी है मुझे 750, तो ये एक बार के लिए मुझे यूज़ हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा सामान लेकर नहीं आती, थोड़ा थोड़ा लेकर आती, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं मंगा लेती हूँ। तो ये सामान है आपको दिखाया मैंने, तो
जब सामान का मैं जब मैं यूज़ करूँगी तब उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी कौन सा सामान कैसा है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, थैंक यू सो मच।